देश में कानून का कितना दुरुपयोग भी हो रहा है इसकी वानगी बुराड़ी थाना एरिया में देखने को मिल रही है। दरअसल यहां एक 13 साल की नाबालिग लड़की को करीब 2 महीने पहले दिल्ली की बुराड़ी थाना एरिया से किडनैप कर उसके साथ रेप किया गया था और उस मामले में लड़की का मेडिकल करवाया तो रेप की पुष्टि हुई, जिसके तहत रेप का मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया था। बाद में लड़की से जब मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए तो उस लड़की ने सब साफ बता दिया है कि उसके साथ कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि एक दूसरे शख्स को फंसाने के लिए उसे पैसे दिए गए हैं। अब इस बात की पुष्टि पीड़ित पक्ष भी चिल्ला चिल्ला कर रहा है। 13 साल की 9वीं में पढ़ने वाली बच्ची बिहार से अपनी मौसी के घर कुछ वक्त काम में हाथ बताने के लिए आई थी, क्योंकि मौसी के घर बच्चा पैदा हुआ था। उसी दौरान मौसी को किसी दूसरी महिला की हेल्प की जरूरत थी तो इस बच्ची को बिहार से लाया गया था, लेकिन इसके बाद उसी एरिया में दो लोगों की आपसी रंजिश थी। दोनों एक दूसरे को किसी न किसी मामले में ये डीलर फंसाना चाहते थे और मोहरा उस परिवार को बनाया गया। इस परिवार का आरोप है कि उन्हें 30,000 और बाकी लड़की के शादी का खर्चा देने का लालच देकर लड़की को बोला गया कि उसी एरिया का एक प्रॉपर्टी डीलर जैसे ही एरिया की किसी सड़क पर दिखाई देगा तभी उस लड़की को उस डीलर पर आरोप लगाना है कि उस दिन में उसका किडनैप किया और उसके साथ रेप को भी अंजाम दिया है। रमजान के पवित्र महीने में जब लड़की को मेन सीज चल रहे थे तभी लड़की के प्राइवेट पार्ट्स में मौसी ने और एक डीलर के पास काम करने वाली नौकरानी ने मोमबत्ती को डाला और जिससे कुछ स्क्रैच किए और साथ ही हर लड़की को तुरंत उस सड़क पर ले गए और पुलिस कॉल करने को कहा गया। जिस वक्त प्रॉपर्टी डीलर सुनसान सड़क से गाड़ी से गुजर रहा था उसी दौरान कुछ लोग उस लड़की को लेकर उस सड़क पर गए और सड़क पर लड़की को सड़क किनारे बैठाकर पुलिस कॉल करवाई गई, जिसके तहत बताया गया कि एक शख्स ने उसके साथ रेप को अंजाम दिया है और गाड़ी में जबरन किडनैप किया था। गाड़ी का रंग बता दिया गया, साथ ही उसे आरोपी का फोटो भी दिखाया गया था। ये कहना है पीड़ित लड़की की मौसी का। मौसी का कहना है कि जब उसने रेप का आरोप लगाया पुष्टि के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया तो मौसी को 30,000 रुपए दिए गए, साथ ही 5,000 रुपए लड़की के कपड़े आदि के लिए दिए गए। लेकिन लड़की को जब मजिस्ट्रेट बयान के लिए कोर्ट ले जाया गया तो लड़की ने कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने बता दिया है कि उसके साथ कुछ हुआ नहीं, बल्कि पैसे देकर इस तरह से करवाया गया है। इसके बाद किसी भी तरह का डीलर से खतरा न हो लड़की को किलकारी नाम की संस्था में भेज दिया गया और बुराड़ी थाना पुलिस को मामले की पुनः जांच के आदेश दिए गए। अब इस बात की जानकारी जब पीड़ित के पिता को मिली तो वह भी अपनी बेटी को लेने बिहार से दिल्ली आया है। उनका कहना है कि क्या केस हुआ है क्या नहीं हुआ है वह उन्हें कुछ पता नहीं, वह किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा नहीं चाहते और अपनी बेटी को बिहार ले जाना चाहते हैं। फिलहाल बुराड़ी थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब कहीं ना कहीं ये कानून के दुरुपयोग का मामला सामने आया है। अब देखने वाली बात होगी कि जांच में पुलिस क्या साबित कर पाती है। जी आपका? मेरा रूबी नाम है। कैसे आपके साथ कैसे क्या हुआ बताओ? जी सर, साबरीन ने हमसे बोली कि 2-5 मिनट के काम है, कोई लड़की चाहिए हमें, वो उसके अरुण के ऊपर छिड़कानी का केस करवाना है, उसको जेल में भिजवाना है। तो वो छिड़कानी का वजह से हम लोग का उसको बलात्कार में फंसाया गया लड़की के, ये बात हम लोग का पता नहीं था। ये अंदर उसको क्या की नहीं की यह बात किसी को पता नहीं है, ना मुझे है और ना उसका किसी का है। ये साबरीन कौन है? साबरीन कौन है ये हमारे जानकारी के है, उसे किरायेदार रहती थी, वो जानकारी की है, हमारे जानती थी, वो हमारे से ये बात बोली थी, हमें पैसे के लालच दिया कि जिस दिन ये केस हो जाएगा रिपोर्ट लिखा जाए उस दिन 50,000 रुपया हम लोग तो लड़की को देंगे और जेवर देंगे, ईद के दिन वो पहनेगी, इतने कपड़े देंगे और उसके बाद 4 चक्का इसका शादी में गाड़ी देंगे और जब जेल में हारून चला जाएगा तो हम लोग 3-4 लाख रुपया देंगे, उसके शादी में जितना खर्चा होगा सब लोग हम लोग मदद करेंगे, जितना बाराती आएगा सब हम उसका बाराती का खर्चा हम देंगे। इरशाद खान है और तबस्सु नाम की उनकी साली है, जामा मस्जिद के पास उसका मकान है वो है, और साबरीन मेन है और उसके बाद उनका लड़का है, लड़का का नाम थी इसरान है और एक इसरान के साथ एक लड़का और आता था, उसका नाम सर मुझे नहीं पता है। वो कैसा दिखने में? कैसा दिखने में ज्यादा लंबा चौड़ा भी नहीं है, ऐसा बस खाली कुर्ता पैजामा पहनता है वो, और हाइट में थोड़ा ज्यादा लंबा नहीं है, मीडियम है, और उसको हमें पता नहीं, लेकिन उसको हमें
पहचान सकूंगी। काम नहीं करेगा, उसका लड़का बोला कि काम नहीं ये होगा तो तुम्हें हम लोग मार देंगे, तुम्हारा लड़का को किडनैप कर लेंगे और तुम्हारा आदमी को भी मार देंगे, ये काम करवाना है, उसको जेल में भिजवाना है किसी तरह। और साबरीन के बाद क्या था वो था उसके ऊपर, वो जानती थी ये बात हम लोग से नहीं बता रही थी, पूरे नहीं बताई थी, खाली छेड़कानी का बताई थी हम लोग से, जबरदस्ती लालच देकर। हम लोग सर गरीब आदमी है, हम लोग दो रोटी मिलता है, जूता है, खाते हैं, हम अपने पड़े रहते हैं, लेकिन जबरदस्ती हम लोग का ये काम करवाया गया है कि तुम्हें नहीं अगर करेगी ये काम, अगर पीछा हटेगी तो तुम्हें कोई भी नहीं छोड़ेगा, बहुत पैसे वाले हैं, अभी तुम्हें पता नहीं है, हम काम करने उसके घर जाती हूँ, हमें सब पता है, बहुत हम लोग का लालच दी। उसके बाद लालच दे के सर हम लोग गरीब आदमी है, लड़की पढ़ने वाली है, 13 साल की लड़की थी, उसका 9 में अभी नाम लिखा था, हमारा डिलीवरी हुआ था तो उसने मैंने बुलाई थी उसको, ये हम लोग से जबरदस्त नहीं, वो हमारे बाजी की लड़की है, 13 साल की है अभी, मेरे बाजी की लड़की है, और वो मेरे पास आई थी, मेरे कमरे से उसने गई, उसका नाम था इसराम खान था, एक का नाम मुझे सर पता नहीं है, लेकिन सफेद कपड़े पहने थे और तेरे नाम बाल झड़े थे, वो उनका नाम पता नहीं है मुझे, साथ में 2 आदमी आया और साबरी नाई, वो लोग बोले कि वो सफेद कलर का कार लेके निकला हुआ है हरुण नाम का, लड़की को ले चलो, और ले चल के लक्ष्मी आश्रम के तरफ वहाँ पे लड़की के रोड पे सुला दो, और बोलना 100 नंबर के पास फोन कर देना, और बोलना कि 2-2.5 बजे करीब से लड़की मेरे नपाता थी, उसने अपने गाड़ी पर बैठा के सब छिड़कानी उड़कानी करके बलात्कार करके ला के लक्ष्मी आश्रम के तर्फ उसने फेंक दिया है, ये झूठ मूठ के दर्ज लिखवाई थी। ये लड़की हमारे 1.5 महीने से जेल में बंद है, और ये रमजान के आधा रमजान के पहले से हुआ है ये बात, बोली का कि रेप केस है, और रिपोर्ट में लिखा इकला हुआ है कि ये रेप केस है, लेकिन ये सब झूठा बात है। साबरीन बोली कि लिखवाइए का कि ये बलात्कार हुआ है इसके साथ, लेकिन ये सब गलत है, हम लोग का लालच दे के उसके शरीर छुपाकर उसने मोमबत्ती दी, और देने के बाद उसका डेट भी आया था सुबह में, और उसने बोली था कि इसका अंदर से ब्लोडिंग आया है, उसने जबरदस्ती किए थे, यहाँ तक कि उसका दिलशाद खान के लड़का बोला साबरीन से कि इसका गाल में कस के दांत हला दे तो, और हाथ भी इसका थोड़ा हल्का सा चीर मार दे कि ज्यादा ही होगा, तो हमने मना कर दिया कि नहीं भैया ये सब हम लोग का नहीं करना है, तो हमको धमकी दिया कि तू चुपचाप रह, बीच में मत बोल, ये सब साबरीन जान रही है, साबरीन अपने ऊपर रिस्क लेगी, हमको मारने के धमकी दिया, हमने चुप हो गए, बहुत हम लोग सर गरीब आदमी है, हम लोग क्या करे, 1.5 महीने से लड़की जेल में, हम लोग खुद परेशान है, एक एक रुपया के लिए हम लोग परेशान है, बाढ़ सुधार के अंदर में है, और लेडीज लोग अपने पास रखी हैं कि ये लड़की बाहर निकलेगी तो इसको कोई मार न दे, इसी के वजह से अपना अपने पास रखे हैं लोग, अपने लड़की को बाप को बुलाया जाए तो लड़की को बाप को बुलाया जाए तो लड़की को बाप, लड़की उसका पुलिस अपने पास रखा है, लड़की को बाप आएगा और आधार कार्ड देखेगा तो उसको लड़की को छोड़ दिया जाएगा। इसने मैंने फोन किए घर पे तो उसका पापा आए, पापा आने के बाद 6 तारीख को डेट था कोर्ट में कि कोर्ट में जाना है, 6 तारीख को लड़की नहीं आई, और उसके बाद फिर 16 तारीख को डेट था, उस दिन भी लड़की नहीं आए, दिखाएगा लड़की छूट जाए, ठीक है, तो हम आए यहाँ पे तो हम लोग को लेकर गया वो, तब साबरीन ने तिलकारी हूँ मैं मिलवाने के लिए लड़की से, हम गए लड़की से मिले तो बोल रहा है लोग कि अपना आता पता बताओ, अपना एड्रेस बताओ, हमने सब कुछ दिखा दिया, अपना आधार कार्ड दिखा दिया, गांव का नाम बता दिया, तो ये लोग बोला कि ठीक है, जब ऐसी बात है तो ठीक है, हम अभी इसको बारे में सोचेंगे क्या करना है, तो भैया हमको लड़की चाहिए, हमको तो कुछ नहीं चाहिए, हमको इतने चाहिए कि बस हमारी लड़की मिल जाए, हम अपने घर द्वार चले जाएं, बस और क्या करेंगे, इससे ज्यादा हम क्या कर सकते हैं। लड़की हमारी आई थी उसी के साथ, उसी का बच्चा हुआ था ना, उसके साथ उसी के घर में आई थी ये सब काम धंधा करने के लिए, ठीक है, तो ये आया तो ये सब हादसा हुआ, तो हम हमारे पास फोन भेजा लो कि आप आ जाइए, ऐसी ऐसी बात है, लड़की थोड़ी मुसीबत में है, तो हम आए, हमको तो ये सब पता नहीं था कि लड़की के साथ क्या हुआ है नहीं हुआ है, हमको ये सब कुछ पता नहीं था।